लो के ऊपर है अभी हम। जगह यार, लेकिन अगर ये पानी बढ़ गया ना तो करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। कुंडी लगा लो तैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। इन वादियों में टकरा गए हैं तुम साथे। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दीपक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी हम हैं दलहा पहाड़ ट्रिप में और आज है 14 अगस्त। हम हर साल की तरह इस साल भी फ्रीडम ट्रैक करा रहे हैं और दलहा पहाड़ के ऊपर जाके ध्वजारोहण करेंगे। और अभी दो दिन से कंटिन्यू बिलासपुर और ये दलहा पहाड़ के आसपास में बारिश हो रहा है। लगभग 10 लोगों का ट्रिप जो है कैंसिल हो गया है सिर्फ पानी गिरने के। हम बिलासपुर से गतौरा है, गतौरा के शिव मंदिर घूमे, शिव मंदिर के बाद कोटमी सोनार पहुंचने वाले हैं। यहां पर लीलागढ़ नदी के पास रुके हुए हैं। देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है और इतना ज़्यादा घटा है। दिखाइए एक बार भाई पूरा घटा को, तो घटा बहुत ज़्यादा है। तो आज बहुत तेज़ बारिश होने वाला है, पर मज़ा आएगा ना भाई, मज़ा आएगा। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे टीम वाले हैं और अभी हम लोग टोटल 10 लोग हैं जो दलहा पहाड़ ट्रिप जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये है दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ को आज मैं इस तरह से देख रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम ट्रैक 2022। तो आज है 14 अगस्त और आप सभी का स्वागत है। हमारा दलहा पहाड़ का 10वां ट्रैक है। हम उसको 31 जनवरी 2022 को स्टार्ट किए थे और हर मंथ एक दो ट्रैक जो है यहाँ का करवाते ही है। लगभग 15 से 20 लोग आज आने वाले थे, बट बहुत सारे लोग जो है पानी गिर रहा है, फिसलन है करके कैंसिल करिए। मैं बहुत लोगों को बोला कि अगर थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और निकल जाओ। हम महाराष्ट्र तरफ जाते हैं ना, तो जैसे बारिश होने वाला रहता है तो लोग जो है छुट्टी लेके, ऑफिस का छुट्टी लेके निकल जाते हैं पहाड़ों में और वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। अभी एक बार इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो मेरा नाम आप जानते हैं, मैं हूँ दीपक पटेल, फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर। ये हमारे भाई हैं निकेश, ये एज अ गाइड जो है हमारे साथ जाता है। अगर कुछ भी हेल्प लगता है, कहीं सांप दिख जाता है, बिच्छी दिख जाता है, तो यही पकड़ने वाला है, तो इसको इससे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और ये बाकी आपको पूरा जो है आगे पीछे ये पूरा गाइड यही करेगा। ब्रजराज हैं, ये बिलासपुर से हैं, ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और हमारे यहाँ जो लोकल हैं, तो ये लोकल भाई हैं, यहीं से हैं, जो इस जगह के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में अच्छे से जानते हैं और हमारे सारे ट्रैक में ये शामिल रहते हैं, ठीक है। हरीश भाई, ठीक है। पंकज कैमर थे और मैं आई पी एन डिलीवर नाम के चैनल यूट्यूब में और मैं लगभग फुल टाइम डिलीवर करता हूँ। मैं नीरज गेमनानी बिलासपुर से, शांता फाउंडेशन से। मैं नेहा तिवारी, शांता फाउंडेशन सचिव सकरी से। क्या नाम? मैं रोहन तलवाने, शांता फाउंडेशन। मेरा नाम आशुतोष ठाकुर है, नारंग से हूँ। मैं, मेरा नाम जागृति पटेल है, मेरा यूट्यूब में चैनल है सीजी ब्लॉग्स। मेरा नाम अभिषेक माखीजा है, मैं पिछले 1.5 साल से ब्लॉग नहीं कर रहा था, बट आज भैया के चलते मैं वापस ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। मेरा चैनल है अभिषेक माखीजा ब्लॉग। मैं सुजीत सिंह, मैं आरंग से हूँ। शुरू करें पहले, क्या हम लोग को घर वासी हैं, तो एकदम क्या है ना, अस्थि पंजर जो रहता है ना हमारा, एकदम टाइट रहता है, तो उसको क्या ढीला करना जरूरी है। अचानक से थोड़ा चढ़ा ही है ना, तो पकड़ लेता है हाथ में थोड़ा सा एकदम। हम मुश्किल से 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, देन तुरंत तुरंत हम निकलेंगे, ठीक है। सावधानी रखने वाली बात फिर से एक बार बता रहा हूँ, मिट्टी है पूरा पहाड़ पत्थरों वाला है, तो पत्थर पत्थर पे ग्रिप बना के चलना है। मिट्टी पे हो सके तो अवॉइड करना, मिट्टी जो है आपके जूता उतना फंसेगा तो फंसेगा, है ना। सभी लोग जूता पहना है, चेंज
पापा है। चलो अब थ्री भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाउ द जोस। हाउ द जोस। हाउ द जोस। चलो चलते हैं दलहा पहाड़। चलो चलो। अभी हम दलहा पहाड़ के लगभग 30% चढ़ चुके हैं और बीच में एक छोटा सा ये झरना टाइप का बन रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ठंडा पानी है। और मेला के बाद इतना ज़्यादा गंदगी हो चुका है जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता। लगभग नहीं मेरे 5-6 लाख पानी का पाउच हो गया है था। और आज हम इसे साफ़ करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सबसे लास्ट में चढ़ रहा हूँ, बाकी लोगों को आगे भेज दिया था क्योंकि बीच में थोड़ा भैया आ गए थे तो उससे बात कर रहा था, इसलिए मैं लास्ट में हूँ। झरना नहीं है बस ऐसी पानी रिस रिस के आ रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, मन को सुकून दे रहा है। फिलहाल अभी ऊपर चढ़ना है क्योंकि ऊपर जाना है। चलिए ऊपर चलते हैं। आ जाओ भाई। 2018 में जब हमारा शादी हुआ था तब हम लोग गए थे ढोलकल गणेश। 2018 के बाद आज 2022 में मुझे लाए हैं दलहा पहाड़। तो अभी बारिश हो रहा है और पूरा मौसम कोहरा कोहरा हो गया है। मजा आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस डे ट्रैक विद द वन एंड ओनली ट्रैवल मितान। थैंक यू सो मच भाई। चलिए लिटरली महाराष्ट्र जाना छोड़ दो, किसी की बुराई नहीं करो बट पहले लोकल एक्सप्लोर करो और लोकल ट्रैकिंग करो हमारे भैया के साथ। पूरी डिटेल्स लाइक एकदम सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें आपकी इजीली हो जाएंगी। एक बार इनको कॉन्टैक्ट करो, इनका इंस्टाग्राम आई डी है DK808 दीपक पटेल के नाम से, और इनका जो ट्रैवल एजेंसी बोल लो या इनका एक इंस्टाग्राम पेज है ट्रैवल मितान के नाम से। सो प्लीज़ फॉलो करो और जितना हो सके इनके कंटेंट को शेयर करो। थैंक यू भाई। मौसम कुछ इस तरह का हो गया, पूरा कोहरा ही कोहरा है, सामने पहाड़ गांव दिख ही नहीं रहा है। सब बैठे हैं यहाँ पर। वाह यार क्या जगह में बैठे भाई। तो कोहरा मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाउ्स द जोस। फॉर्म के जूता। चलो थक गए। ये हमारे सबसे यंगेस्ट ट्रैकर, ये सब लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा है बाकी आप लोगों को? एक नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। कैसा आशुतोष, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा पानी पानी हो गया, पसीना निकल रहा है इधर सब तरफ से। तो स्वेटर भी पहना है क्या? नहीं स्वेटर नहीं, एक टी-शर्ट। ये मैं भी वैसी बोली थी, स्पेशल दिल्ली से लिया हूं भैया। ऐसा क्या? ये रोज के आता है पर बहुत ठंड होगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, फुल फुल रख रहे भैया। तो नीरज भाई ठीक है, फुल पहन। कैसा लग रहा है नेहा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, लाइफ में पहली बार आया दलहा पहाड़, सौजन्य से ट्रैकिंग करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो अपन भी निकलते हैं सबको लेकर। चलो चलो अभी बहुत आगे बहुत कुछ दिखने वाला है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है दलहा पहाड़। ये बादलों के ऊपर है अभी हम। ठीक है, पूरा कोहरा ही कोहरा है। ये पहली बार मैं इस तरह का मौसम देख रहा हूँ। दलहा पहाड़ का व्यू। चलिए ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर चलो 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 चलो। तो जागृति जी कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए फिर बताते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है पहुंचने के लिए। मोटू 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 सब खत्म होने वाले, जल्दी बनाओ। तो ये है दलहा पहाड़ का खूबसूरत।
पूरा बादल ही बादल। वाह खूबसूरत व्यू। इधर देखिए ये पहाड़ दिख रहा है मोटू, देखो इधर आओ, इधर देखो। तो दोस्तों ये है दल्हा पहाड़ का खूबसूरत व्यू। अभी हम पूरा बादलों के ऊपर कोहरा के ऊपर अभी हम हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए इस तरह का व्यू है और ये हमारा दल्हा पहाड़ का फ्रीडम ट्रैक है। कल 15 अगस्त है और आज हम यहाँ पे ट्रैक कर लहरा दो लहरा दो। तो ये है दल्हा पहाड़ ट्रैक का खूबसूरत नज़ारा। बहुत ज़्यादा वाले फिसलन है और हम लोग बहुत सोच समझ के नीचे जाए लगी काबर के चढ़ाई कर रखते हैं तो पानी नीचे रख लीजिए नीचे। अब संगवारी हो पूरा पानी नीचे की ओर जात है और बहुत ज़्यादा फिसलन है, छोटे से बच्चा भी है और हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक जाने लगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। टूटू ये तो हमारे भीग रहे थे जनाब छोटे उस्ताद, तो डीके भैया ने इनको वो जादू, ये हमारे जादू हैं जो कि बहुत क्यूट क्यूट लग रहे हैं। ये संघर्ष करते हुए हमारे भाई लोग उतर रहे हैं। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दल्हा पहाड़ चढ़ना तो आसान है, उतरना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर खड़ी चढ़ाई है, देखिए अभी बहुत तेज बारिश हो रहा है और मैं छत्ता के सहारे नीचे जा रहा हूँ। पानी गिर रहा है बहुत। मौसम बड़ा सुहाना हो गया। ये देखिए बादल पूरा लोग नीचे और सभी नीचे उतर ही रहे हैं। ये खड़ी चढ़ाई सबसे मेन रहता है यहाँ का। अभी पूरा मौसम जबरदस्त हो गया है, कोहरा बादल बारिश क्या बात है। देखिए 30% अभी नीचे उतर चुके हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया। देखिए पानी का बॉटल, पानी का पाउच, चिप्स का पैकेट, पता नहीं क्या क्या और रैपर है यहाँ पर, गुटखा माजा इस तरह से, और कुछ जगह को हम साफ किए हैं। कितना ज़्यादा कचड़ा कर दिए हैं देखिए, ये तो पानी में बह गया है बहुत सारा कचड़ा। पर तो पॉलीथीन, पानी का पाउच, यही सब है यहाँ पर। तो ये देखो संगवारी हो ट्रैकिंग के बाद ये इस तरह का समर खाना रही थे जिनमें आप मन लग अचार मिली, सलाद मिली, एक सब्जी, टमाटर की चटनी और दाल और चावल। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत ही बढ़िया ट्रैक किए और बहुत ही मज़ा आया। आप लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा बहुत अच्छा।